नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल। बारिश के मौसम में ब्रेड से बने नाश्ते खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम जिस तरीके से रोल बनाने वाले हैं, ये तलते समय तेल बहुत कम सोखेगा और बनाने में बहुत आसान है। आप अपने घर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रोल बनाना। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 ब्रेड लिया है, 2 उबले आलू इसका छिलका साफ कर दिया है, 1 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, थोड़े से कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू को तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने बाउल में 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। पहले हम आलू को हाथ से फोड़ लेते हैं। आलू को हमने फोड़ लिए हैं। अब आलू में डालेंगे सूखे मसाले। अब आलू में प्याज को डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार। अब सारे मसाले को हम आलू मिला लेते हैं। हम आलू को हाथ से महीन करते हुए मसाले को मिलाएंगे, जिससे सारे मसाले आलू में अच्छे से मिल जाएं। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च कम डालें। आलू में मसाले को हमने अच्छे से मिला लिए हैं। अब आलू का हम लोई बना लेते हैं। इस तरीके से हाथ से दाबते हुए आलू का रोल जैसा लोई बना लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे आलू का लंबे आकार में लोई बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे आलू का लोई बना लिए हैं। यहाँ हमने ब्रेड लिया है। अब ब्रेड के चारों किनारों को काटेंगे। जो ब्रेड के ब्राउन पार्ट है उसको हम काट देते हैं। चारों ब्रेड को हम इसी तरीके से काटेंगे। चारों ब्रेड के किनारों को हमने काट कर निकाल दिया है। यहाँ हमने एक बाउल में पानी लिया है। अब एक ब्रेड हम उठाकर पानी में डालेंगे और इसको पानी में तुरंत डुबोकर निकाल लेते हैं। अब ब्रेड को दोनों हाथ से दाब कर इसका सारा पानी निकाल देते हैं। इससे रोल अच्छे बनेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है वो आलू में अच्छे से चिपक जाते हैं और वो तलते समय तेल नहीं सोखते हैं। ब्रेड से हमने सारा पानी को निकाल दिया है। अब एक लोई लेकर हम ब्रेड में लपेटेंगे और ब्रेड को हम चारों तरफ से पैक करके इसका रोल बना लेते हैं। ब्रेड को हम हल्के हाथ से दाबते हुए इसका चिकना रोल बनाएंगे। ये हमने एकदम चिकना ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से हम सारे ब्रेड के रोल बना लेते हैं। अब उसी तरीके से हम दूसरा वाला ब्रेड का रोल बना लेते हैं। अब दोनों हाथ से दाब कर इसका सारा पानी निकाल लेते हैं। अब इसमें भी लोई रखकर इसका भी रोल बना लेते हैं। चारों ब्रेड का रोल हमने एक एक करके बना लिए हैं। यहाँ हमारे 3 आलू के लोई बच गए हैं। यहाँ हमारे जो ब्रेड के किनारे वाले हिस्से हैं, अब इसको भी पानी में डालकर डुबो देते हैं और इसको भी हाथ से ताप कर पानी निकाल लेते हैं। ब्रेड से हमने अच्छे से दाब कर पानी निकाल दिया है। अब इसको बचे हुए लोई में मिला लेते हैं। ब्रेड को हमने अच्छे से आलू में मिला लिया है। अब इसका हम टिक्की बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा लोई ले लेते हैं और दोनों हाथ से दाबते हुए इसका टिक्की बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको रोल के आकार में बना सकते हैं या फिर टिक्की बना सकते हैं, लेकिन हम इसका टिक्की बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारे टिक्की को बनाएंगे। हमने एक एक करके सारे टिक्की को बना लिए हैं। रोल को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है
अब गैस को ऑन करेंगे और तेल को गरम करेंगे। तेल हमारे गरम हो गए हैं, अब इसमें हम पहले रोल को डालकर तलेंगे, तब उसके बाद हम टिक्की को तलेंगे। गैस को हमने मीडियम में रखा है, रोल को हम मीडियम आंच पर तलेंगे। इसको हम तुरंत नहीं पलटेंगे, जब नीचे से हल्के फ्राई हो जाएंगे तभी पलटेंगे। रोल हमारे नीचे से हल्के फ्राई हो गए हैं, अब रोल को हम धीरे धीरे पलट कर फ्राई करेंगे। रोल को हम बराबर पलटते हुए फ्राई करेंगे, जिससे चारों तरफ से सुनहरे कलर में फ्राई हो जाए, इसलिए हम इसको बराबर पलटते रहेंगे। रोल हमारे सुनहरे कलर में फ्राई हो गए हैं, अब रोल को हम निकाल लेते हैं। रोल को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, अब हम टिक्की को तलेंगे। अब एक एक करके हम सारे टिक्की को तेल में डाल देते हैं। टिक्की को भी पलटते हुए सुनहरे कलर में फ्राई करेंगे। इसको हम धीरे धीरे दोनों तरफ से पलट देते हैं। टिक्की हमारे सुनहरे कलर में फ्राई हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। और गैस को हम बंद कर देते हैं। यहाँ हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हुए हैं और यहाँ पर ब्रेड की टिक्की बनकर तैयार हो गई है। ये हमारे ब्रेड के नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब एक रोल हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारे रोल अंदर तक अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये हमारे रोल तेल बिल्कुल नहीं सोखे हैं। तो आप इस तरीके से अपने घर पर ब्रेड के नाश्ते बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं। ब्रेड से बने नाश्ते बच्चे में बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। यह नाश्ता आप जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।